सो बेसिकली मैं बच्चों से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य है, वो बड़े होंगे और हमें बचाएंगे. दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग. बट सेल्फ डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर इंसान के लिए सीखना और हर इंसान को आना बहुत ज़रूरी है. सो यस, वही शुरुआत की है मैंने. कुंग फू चकोर. और उसमें मेरी माँ आती है और माँ ही पूछती है क्या हो रहा है, क्यों करिए ये. मैं उन्हें एक्सप्लेन करती हूँ और फिर वो भी थोड़ी सी मोटिवेट हो रही है. ओके मैम, जैसे आप इनको देख रही हैं इतना ये सबको मोटिवेट कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप एज अ मदर आपको क्या लगता है कि कितना ये सक्सेसफुल होंगे? आपको डर लग रहा है कि कहीं ये ना फंस जाए उसमें? आई थिंक चकोर जैसी है हमारी, तो चकोर से एक्सपेक्टेड है कि वो सब चीजें करेंगे और वो खुद अब तक स्ट्रॉन्ग अकेली रह चुकी है. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव कि वो चाह रही कि सब लोग आजाद गंज के जो है बेचारे पीड़ित त्रस्त लोग वो भी अभी थोड़े स्ट्रांग हो जाए और वो भी फाइट करे. आपने ऑफ स्क्रीन देखा होगा मुझे स्टांसेस और पोजेस माई सिखा रहे थे. सही मैम सिखा रहे थे कि टेक दिस पोज. तो रियल एंड रियल शी इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सन एंड क्वाइट मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग. काफी मुश्किल होता है ऐसे सीक्वेंसेस मिलना टीवी में करने के लिए. सो आई थिंक शी इज आल्सो हैविंग अ लॉट ऑफ फन. या और हमें भी मजा आ रहा है. तो इस बार मतलब जो एक लहर जो चकोर पहले लेकर आई थी दोबारा से अब अपनी बहन के खिलाफ ही और आप अपनी बेटी के खिलाफ लाने. हाँ जी बिल्कुल. लहर जो मैं गई थी वो अब मैं वापस लेकर आ रही हूँ और देखना फिर क्या हम बाढ़ लाते हैं और डुबा देंगे इमली को. तो बेसिकली शशि कपूर और अमिताभ बच्चन और मैं, वो मेरे पास माँ है. सो अभी एक मेरी बेटी खराब हो चुकी है बिल्कुल बुरी, एक मेरी बेटी बहुत अच्छी है और बीच में मैं हूँ. हाँ बट अब माई की परीक्षा है कि क्या उनके संस्कार रंग लाते हैं. थैंक यू.